नमस्कार दोस्तों, आर्टिक स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से बैकअप मिक्स करेंगे। इस बारी एक्सप्रेस 10 की बैकअप है और तीन बैकअप मिला है मिक्स करने के लिए। तीन बैकअप को हम एक बैकअप में मिक्स करेंगे। और यदि आपको भी बैकअप मिक्स करवाना हो हमसे तो हमें बिल्कुल संपर्क करें, नीचे नंबर दिया गया है तो वहाँ से हमको व्हाट्सअप करें और जो भी जानकारी है वहाँ पर लें। जो भाई ने हमें ये बैकअप भेजा है उनका नाम राजयोगी है। लास्ट वीडियो जो एक्सप्रेस 30 की मिक्सिंग वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, तो भाई ने वहाँ पे कमेंट किया था और कमेंट के थ्रू भाई से बातचीत हुआ था। आगे चल के मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा बातचीत की भाई के साथ। तो उन्होंने वहाँ पे कमेंट किया, देन फिर कमेंट के थ्रू उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उनसे बातचीत हुआ और भाई का बैकअप मिक्स करके उनको भेज दिया है। और उन्होंने एक वीडियो भी दिया है ताकि आप लोग देख सके वो वीडियो और आपको भी ट्रस्ट हो, कोई फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन काम होता है, कोई धोखेबाजी काम नहीं है। तो फीडबैक लिया है भाई से एक वीडियो के माध्यम से, तो लास्ट में वीडियो है तो एंड तक बिल्कुल बने रहेगा। और इस बार ही हम सामने ही सेव करेंगे, सेव करना जो पार्ट रहता है उसको स्किप नहीं करेंगे, सामने ही बैकअप को मिक्स करेंगे। तो देखिए कुछ स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। भाई ने ये पहले कमेंट किया था और देखिए कमेंट के बाद व्हाट्सएप पे भाई से बातचीत हुआ, देन फिर उन्होंने भेजा है और डिटेल्स दिया है कहाँ पे टोन ऐड करना है, कहाँ पे नहीं करना है, लिख के भेजा है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और पेन ड्राइव पे कॉपी करते हैं हमारे जो तीन बैकअप है उसको। तो मैंने पहले ही कॉपी कर लिया है तीन बैकअप को, मोबाइल से कॉपी करके मैंने लैपटॉप पे रख दिया है। तो मैं वो फोल्डर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए तीन बैकअप को मैंने पहले ही कॉपी कर लिया है। और ये जो है देखिए मेरा पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट कर दिया था पहले ही और यहाँ पे कोई भी बैकअप नहीं है ताकि मुझे पता चले, इसलिए मैंने पहले ही डिलीट कर दिया था सारे बैकअप। बस ये तीन बैकअप अभी ही रहेगा उस पर, तो ये कॉपी हो रहा है। तो कॉपी होने के बाद मैंने पेन ड्राइव निकाल दिया लैपटॉप से, अब मैं उसको इंसर्ट करूँगा एक्सपीएस 10 कीबोर्ड पे। देखिए यहाँ पे मैंने एक यूएसबी एक्सटेंडेड का यूज किया है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता रहता है और पेन ड्राइव को निकालना लगाना बहुत ज़्यादा रहता है, तो यूएसबी का जो पोर्ट है वो ख़राब ना हो इसलिए मैं ये यूएसबी एक्सटेंडेड यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन भी बड़ा कर दिया है ताकि आप सब लोग क्लियरली देख सकें। देखिए यहाँ पे मैं यूटिलिटी में जाके पहला वाला जो बैकअप है उसको इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पे तीन बैकअप है, KR10 करके है और एक योगी करके है और एक SSMW करके है। तो हम पहले योगी 1 को लोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लोड हो गया है, इसमें लास्ट में 620 और 624 पे दो टोन है। 620 पे सिंक सहनाई करके टोन है और 624 पे सोलो हारमोनियम करके टोन है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको साउंड टेस्ट कर लेंगे हम कि कैसा साउंड आ रहा है। तो इस बार जो साउंड सुनेंगे वो रॉ होगा। तो अब हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे हारमोनियम की साउंड। राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वीडियो मैंने लेफ्ट साइड पे रखा है ताकि आप लोगों को जो डिस्प्ले है वो क्लियरली देख सके। साउंड टेस्ट हो गया है तो अब हम चलेंगे हमारे सॉफ्टवेयर जूनो DI एडिटर के ओर। देखिए ये ओपन हो गया है और ये अगर प्रॉब्लम दिखाता है ऐसे आपको भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सेटअप पे जाके उसको फिर से सेटअप करेंगे ताकि डिसकनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद भी शो नहीं कर रहा है, देखिए। तो मैंने इसको काट के फिर से USB जो है प्रिंटर केबल और USB केबल कुछ भी बोल सकते हैं उसको आपको, तो
उसे हम फिर से अच्छे से लगाएंगे, और देखिए लगाने के बाद काट के फिर से ओपन किया तो ऑटोमेटिकली रीड ले रहा है। अब अगर वैसे दिखाए तो आप अपने जो ये प्रिंटर केबल है उसको थोड़ा सा अच्छे से निकाल के फिर से देखिए कि सही से कनेक्ट हो आएगी। तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट होके ग्रैंड पियानो आया, क्योंकि मेरा कीबोर्ड यहाँ पे ऑफ हो गया था तो मैंने उसको फिर से ऑन किया तो ग्रैंड पियानो दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस में जाके 620 वाला जो टोन है सिंक साइना है उसको सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे रीड को क्लिक करूँगा ताकि यहाँ पे रीड हो सके और टोन को हम सेव कर सकें। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और इसको हम अब सेव कर देंगे, तो मैं यहाँ पे देखिए पहले जो फोल्डर बना है उसी पे ही सेव करेंगे। देखिए भाई का नाम पहले ही मैंने लिख दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी भेजता है मैंने एक अलग सा फोल्डर बना देता हूँ ताकि दोबारा कुछ काम हो तो कोई इश्यू ना हो। तो इसको मैंने नाम को कॉपी कर लिया और वहीं जिस फोल्डर पे हम आपको दिखाया था फिर से वो फोल्डर में जाएंगे और उसको वहाँ पे सेव कर देंगे सिंगल टोन। और अब मैं टोन को चेंज करूँगा, 620 था अब 624 पे लेके आऊँगा कीबोर्ड के साइड पे, और रीड कर रहा हूँ ये देखिए सोलो जो हारमोनियम है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन शो हो रहा है सोलो हारमोनियम करके, तो अभी वो रीड हो रहा है। तो उसको रीड करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे फिर से वही लोकेशन पे। नाम मैं यहाँ से ही कॉपी कर रहा हूँ, टाइप नहीं करने पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया इसको, और वही फोल्डर अब शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से उसको सेव कर दूंगा। ध्यान रखिए सेव करते टाइम कि नाम अलग अलग हो, नहीं तो एक टोन के ऊपर और एक टोन सेव हो जाता है तो सेम ही साउंड आएगा, कोई अलग अलग साउंड नहीं आएगा। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप सब लोग। तो देखिए सब लोड होने के बाद अब हम लोड करेंगे दूसरा बैकअप, जिससे एक टोन निकालना है, हेजल टूटी करके है वो टोन को निकालना है। देखिए बैकअप के ओर जाके फिर मैं यहाँ पे KR10 जो है उसको लोड कर रहा हूँ, और स्पीड जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो ये अभी कंप्लीट हो गया है, इसको ऑफ करके ऑन करेंगे हम और डायरेक्टली चलेंगे वहाँ पे। ओके लोड हो गया है तो मैंने ऑन कर दिया अब, और चलेंगे हमारे टोन की तरफ। देखिए 538 पे टोन है, हेजल जी टूटी करके टोन है, तो इसका भी एक साउंड आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसा आ रहा है ताकि आप लोगों को पता चले कि उस बैकअप पे भी सेम साउंड आ रहा है, कोई अलग साउंड या फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। साउंड टेस्ट हो गया, अब आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे फिर से और रीड कराते हैं हमारे जो टोन को यहाँ से, और उसको सेव करने का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक रहता है देखिए कि अगर आप कीबोर्ड को ऑन करके ऑफ करते हैं तो सेटअप पे जाके थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे चेंज हो सकता है तो फिर रीड नहीं होगा या फिर कनेक्ट नहीं होगा, आपके लैपटॉप और कीबोर्ड के जो कनेक्शन है वो सही से बैठेगा नहीं। तो वहाँ पे चेक कर लेना सेटअप पे कि कनेक्ट है कि नहीं सही से। देखिए फिर से ग्रैंड पियानो आया है, तो यहाँ पे मैं वहाँ पे फिर से चेंज करके उसको मैं रीड करा रहा हूँ फिर से, फेजल डी टूटी आ गया अब। तो यहाँ से कॉपी करके मैं उसको सेव करूँगा। ओके तो ये भी सेव हो गया है अब, और अब चलते हैं फिर से कीबोर्ड के तरफ क्योंकि हमको फिर से मेन बैकअप लोड करना है, SSMW करके जो बैकअप है भाई का, तो उसको फिर से लोड करना पड़ेगा क्योंकि सारा काम वहीं पे होगा, तीन टोन को वहीं पे ही ऐड करना है। और बैकअप लोडिंग का एक डेडिकेटेड वीडियो हम लेके आएंगे दोनों ही कीबोर्ड का, XPS 10 और 30 बेसिक चीज़ है पर फिर भी अपलोड करेंगे ताकि लोगों को पता चले कैसे होता है। देखिए
ये भी लोड हो गया है। अब कीबोर्ड को ऑफ करके ऑन करेंगे फिर से। और ऑन हो गया है कीबोर्ड, तो चलिए चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि ये जो तीन टोन है वो पहले से यहाँ पे नहीं है और जेन्यून काम है। अगर कोई डाउट हो तो भाई को जाके कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो पे भाई ने कमेंट किया है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं भाई से कि जेन्यून काम है नहीं। और लास्ट पे एक वीडियो भी होगा, वो भी आप देख लेना भाई ने जो वीडियो भेजा है बजा के। तो देखिए यहाँ पे सबसे एंड पे मैं आपको लेके चलता हूँ। लास्ट जो टोन है वो है हारमोनियम 2 और टोन का नंबर है 591। तो 591 के बाद कोई टोन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो हम 592, 593 और 594 पे टोन ऐड करेंगे और इस बारी कीबोर्ड के थ्रू ही सेव करेंगे। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पे रीड कराते हैं। देखिए इस बारी काट के ऑन किया तो डायरेक्टली रीड कर लिया क्योंकि सेटअप पहले से ठीक था। कुछ बार सेटअप डिस्टर्ब हो जाता है ऑन करके ऑफ करने के बाद, तो मैंने काट के ओपन किया तो सही से बैठ गया है। तो चलिए चलते हैं हम उस फोल्डर की तरफ जिस फोल्डर पे हमने वो तीन टोन को सेव किया है। और तीन टोन जो फोल्डर पे है उस तीन टोन को बारी बारी से ओपन करना पड़ेगा और उसको सेव करना होगा कीबोर्ड में। राजयोगी भाई का नाम देखिए आ गया यहाँ पे। और पहले हम सेव करेंगे सिंक सहनाई जो है उसको, तो ओपन कर दिया है। सिंक्रोनाइजिंग डाटा लिख रहा है यहाँ पे, मतलब रीड ले रहा है ये सही से। थोड़ा टाइम लगता है इस पे, तो सिंक सहनाई लोड हो गया। तो चलिए देखते हैं कीबोर्ड पे कैसा साउंड आ रहा है इसका इस बैकअप में, ताकि हम इसको सेव करें। तो साउंड सही आ रहा है, ज़्यादा मैं प्ले नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत। और इसको हम कीबोर्ड में ही सेव कर देंगे आपके सामने, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो कि सेव होता है या नहीं, या फिर टोन ऐड कर देते हैं ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पे जो पैच हैं, मैं यहाँ पे पैच सेव करूँगा। जो भी पैच ऑन है उसको मैं सेव करना होगा जो यूज टू है। ये पूरा होमवर्क करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है कि कौन कौन से पार्ट ऑन हैं, कौन कौन से पार्ट ऑफ हैं, कौन कौन से पार्ट सपोर्टिव में हैं, रिकॉर्डिंग में कौन कौन सा यूज है, पूरा होमवर्क करना पड़ता है। और सब कुछ दिखाने लग जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, मिनिमम 1 आवर के पास ये वीडियो चला जाएगा और आप लोगों का समय बहुत कीमती है। उस हिसाब से मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश किया, फिर भी 20 मिनट के आसपास ये वीडियो हो गया है। देखिए इस बीच में मैंने उसको जो जो है पैच उनको सेव कर दिया है। यहाँ पे काफ़ी खाली जगह है भाई के बैकअप में, तो मुझे कोई टोन या फिर कोई पैच नहीं चाहिए होगा डिलीट करने के लिए। तो देखिए खाली जगह पे मैं उनको सेव कर रहा हूँ। सेव हो गया ऑलमोस्ट, परफॉर्मेंस सेव कर रहा हूँ अब। पैच सेव करने के बाद अब परफॉर्मेंस की बारी है, परफॉर्मेंस सेव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे खाली जगह है, 591 के बाद कोई टोन नहीं है, तो हम 592 में देखिए इसको सेव किया है। साउंड देखिए जैसे उस बैकअप पे था वैसे ही इस बैकअप में है, कोई दिक्कत नहीं है साउंड के लिए। तो चलिए दूसरा टोन ओपन करते हैं और उसको भी सेव करते हैं इस बैकअप में। इस बार सोलो हारमोनियम होगा, उसको ओपन करते हैं। तो सेव करते हैं उसको 593 पे। तो ये देखिए ओपन हो गया, फिर से हमको चलना होगा कीबोर्ड की तरफ और सेव करेंगे। इस बार का प्रोसीजर मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया है ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो। देखिए साउंड थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि सही प्ले हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ टोन सही से बैठते नहीं है और आते नहीं है। उसके लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है, सैंपल रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसको फिर से इंसर्ट करना पड़ता है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पे देखते हैं ये सही साउंड कर रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे ही मैं उसको ओपन करता हूँ वो एक नंबर पे दिखाता है, कोई भी नंबर पे, और जैसे उसको मैं चेंज कर देता हूँ वो उस नंबर से उड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे सेव होता नहीं है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मैंने चेंज किया उसको बिना सेव किए, इसलिए हमको यहाँ पे फिर से दोबारा ओपन करना पड़ रहा है क्योंकि सेव करना ज़रूरी है कि क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ओपन कर देने से ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, नहीं वैसा नहीं होता है, पैच और परफॉर्मेंस दोनों को सेव करना पड़ता है बारी बारी से। और देखिए यहाँ पे मैं पैच सेव कर रहा हूँ और परफॉर्मेंस भी सेव करना पड़ेगा, तब जाके आप टोन जो है वो परमानेंटली आपके बैकअप में ऐड होगा, नहीं तो आप ओपन करके छोड़ देंगे ऐसे तो प्ले होगा लेकिन फिर ओपन करेंगे तो टोन आ जाएगा, लेकिन फिर से जब आप टोन चेंज करेंगे और प्ले करने की कोशिश करेंगे तो वो टोन वहाँ पे होगा ही नहीं, तो आपको प्रॉपरली उसको सेव करना पड़ेगा। तो देखिए ये टोन भी सेव हो गया अब, चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो टोन है फैजल जी टूटी, उसको ओपन करते हैं। तो ये टोन ओपन हो गया है फैजल जी टूटी को, थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं कैसे साउंड कर रहा है। साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोसेस शुरू करते हैं। इस बार और स्पीड बढ़ा दिया है ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो, बारी बारी से बार बार वही बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो, और सेम ही प्रोसीजर रहता है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है इसका, तो इसलिए मैं स्पीड अप कर दिया इसको जल्दी जल्दी में। देखिए सेव कर दिया इसको और फिर से साउंड देखेंगे, चेक करेंगे कैसा साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए तीन टोन जो है सेव हो गया है, 592, 593 और 594 पे टोन जो है वो सेव हो गया है, और ये बैकअप हम फिर से बैकअप करके भाई को भेजेंगे, और भाई ने जो डेमो भेजा है वो अब यहाँ पे देखिए, भाई प्ले करते हुए बता रहे हैं कि कैसे मैंने उसको मिक्स किया है और भाई को पसंद आया कि नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू भाई, आपने अच्छे अच्छे टोन्स ऐड कर दी मेरे एक बैकअप से दूसरे बैकअप में, थैंक यू सो मच। तो यदि आपको भी अपना बैकअप मिक्स करवाना हो, XPS 10 या XPS 30 आपका कीबोर्ड है और तीन चार बैकअप आपके पास है और आप उसको मिक्स करवाना चाहते हैं, कुछ टोन तीन चार बैकअप से लेके एक बैकअप में मिक्स करवाना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल संपर्क करें, हम आपका टोन मिक्स करके देंगे और बहुत ही मिनिमम प्राइस रहता है मिक्सिंग का, तो हमें जो नंबर दिया है नीचे तो उस पर हमको संपर्क करें, व्हाट्सएप के माध्यम से चैट करें, जो भी जानकारी है आप वहाँ से लें, अगर मिक्सिंग करवाना हो तो बिल्कुल संपर्क करें। धन्यवाद।